ये है भाई सिस्टम है सिस्टम। हेलो 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 बिग बॉस में थप्पड़ खा के हमारे पॉडकास्ट में आया है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर के लिए ईशा से दूर रहना। भाई सर गिर गया। ओह नो। गुड मॉर्निंग गोले। ताता ताता गोले सन का है सन सन। अच्छा गोले की रूपा दीदी कहाँ है? अच्छा गोले के हैंड का है हैंड? गोले के हैंड का है हैंड? वाह गोले की आईज का है आईज आईज नोजी नो। गुड मॉर्निंग जी वेलकम टू आवर चैनल। हेलो वेल तो गुड मॉर्निंग तो नहीं हुई पर मेरे मुंह से निकल गया पर है थोड़ी थोड़ी गुड मॉर्निंग। बालों के हाल देखे इस बच्चे ने हमारी वो हालत की। मायके गई थी दो पल के लिए इसने बर्बाद कर दिया वहाँ पे खाना। oh, no. सोचा था कि वो केले के पत्ते में खाएंगे इसने उनके पत्ते फाड़ दिए। माय गॉड इतनी भोली सूरत और इतना बदमाश। और हम अपना बच्चा लेके आ गए अभी मायके से अपने घर जा रहे हैं। वही ट्रेंडिंग क्या बात है। बड़ी खुशी हो रही है यार हमारा जो एल्विश वाला पॉडकास्ट था वो कितने पे दो पे ट्रेंड कर रहा है यार है नंबर टू ऑन ट्रेंडिंग। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? थैंक यू ये है भाई सिस्टम है सिस्टम। लड़का है सुपरस्टार तो है ना भाई है ना हर्ष? पता नहीं यार मेरे हर्ष के साथ को कभी कोई पॉडकास्ट करे तो वो बंदा भी ट्रेंडिंग पे आ जाए। बैकअप बैकअप मैं खुद ही कर लूंगा। इसके साथ करेगा? तुम लोग क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ? हंस रही हो? देखो कैसे हेलो हेलो कर रहा है। हेलो 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 बोलो दीक्षा। दीक्षा कहाँ हो? हेलो बोलो दीक्षा। हेलो 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 माची माची पिंकी माची पिंकी टेटे कहाँ हो बोलो। हेलो 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 बस 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 थक गया थक गया थक गया। बोले बुआ का है बुआ बुआ का है बुआ। Wow, कैसे देख रहा है यार। So guys, आज थोड़ा है फटाफट करते हैं। हर्ष खाना खा रहा है मैं भी खाऊंगी अभी फिर चलते हैं ऑफिस रेडी होते हैं क्योंकि आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं समर्थ के साथ यानी कि हमारा बिग बॉस वाला चिंटू जो बहुत पोक करता है लोगों को पोक 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 और फिर पोक का नतीजा उसने देख लिया था। लेकिन बड़ा क्यूट है यार बहुत फनी है मतलब है ना हर बच्चा है बच्चा मेरा बच्चा है तो। तो चलो भी ऑफिस जाते हैं रेडी होते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस कभी कभी क्या है क्या रहने कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है क्योंकि आज ट्रेंडिंग लिस्ट खोलेंगे जब ये ब्लॉग जाएगा तब तो दो दिन हो चुके होंगे बट आज अगर ट्रेंडिंग लिस्ट खोलेंगे यूट्यूब की तो बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं जैसे कि हमारा पॉडकास्ट पॉडकास्ट तो दो दो पॉडकास्ट हमारे ट्रेंडिंग में है हमारा व्लॉग ट्रेंडिंग में है और कितनी खुशी हो रही है यार जब ट्रेंडिंग वाला पेज खोलो ना तो थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर करो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं और ये हम नहीं है आप हैं तो हम ट्रेंडिंग में आते हैं और ये सब है बेचारा ऋषि मुझे लगता है ऋषि की मेहनत है ये मतलब यही है वो बंदा जिसकी वजह से आज व्यू ही नहीं आए ब्लॉग के। गजब बेइज्जती है। नहीं 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 यार ये बड़े अच्छे हैं यार ये लड़का ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर अभी हाथी रख दिया गया है ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ये तो बेचारा जाता ही नहीं घर ये नहाने जाता है कपड़े बदलने जाता है। अगर शक्ति के चार पांच पैंट और कच्छे यहाँ पे रखवा दो ना तो शायद वो बेचारा घर भी ना जाए और ये भी इसीलिए जाता है कि इसने एक शादी की हुई है कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको मैं लेके गई थी तो इसीलिए हमारे व्यूज़ कम हो गए और वो काम कर रहे थे शिद्दत के साथ और उन कछुआ और खरगोश तो नहीं हो गया
है? अरे बाप रे यार, जब तक इसकी आवाज आएगी तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होंगे यार। यामिन के लिए आप प्लीज कमेंट करना कि इसकी आवाज कैसे निकाले, कैसे बोलता ही नहीं है, है ना? मुझे लगता है इसके पैर के नीचे ना वो मुर्गा नहीं चूचू वाला, वो बांध दो ताकि थोड़ा हिले तो पता चले हाँ हम यामिन को चाहते हो क्या तुम, इसको पूछे हम, वरना पता नहीं क्या है ये। तो मैंने आपको बता दिया कि आज हम चिंटू के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, यानी कि बिग बॉस वाले समर्थ के साथ, और दीक्षा को वो अच्छा लगता है। हाँ। और यार कैसी भी शर्म है, सच में अच्छा लगता है, मतलब हाँ फनी है इसीलिए बिग बॉस। ओ मतलब हैंडसम। हाँ ठीक है, हैंडसम भी है। ओ लाला, वो जो आ रहा है ना पॉडकास्ट के लिए पांडे जी, हाँ। लड़का आज वो दीक्षा को अच्छा लगता है। अच्छा है। अच्छा तो आप आओगे तो फिर देखना और बताना कि सही है कि नहीं। आने दीजिए। अरे भाई मारना थोड़ी है। हाय ट्रेंडिंग गाइस, यार ये जो लोग हैं, ये आप ऐसे मत सोचिए कि बहुत बड़ी टीम है, यही थोड़े से लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारा पॉडकास्ट ट्रेंडिंग में है। भाई आ जाओ, आज कह रहा आज इतना अच्छा दिन है, जब भी वो ट्रेंडिंग वाला पेज खोलते हैं तो वहाँ पे कितनी सारी चीजें हमारी है। हाँ। हमारा बिग बॉस वाला पॉडकास्ट, एल्विश वाला व्लॉग, ये उफ, उफ। तो आज पार्टी होनी चाहिए, जशन हो। आज तो भाई तुम लोग दो हमको पार्टी, तुम लोग अपनी पूरी पूरी तनख्वाह करके मेरे को और हर्ष को और गोले को मालदीव्स का एक ट्रिप दे दो। तू देगा पैसा? हाय नी क्या लोन लेके, हाय लोन लेके। तुम्हें लोन भी नहीं मिलेगा, वो है तुम्हारे पास केवाईसी, पैन कार्ड, केवाईसी है, लोन अप्रूव। सो गाइस यार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आज कुछ अच्छा सा मीठा मंगाएंगे, और अकाउंटेंट देख रहे हैं। ये दोनों पापा और पापा की परी, ये पापा और ये पापा की परी। दोस्तों वो आ चुका है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया, वो आ चुका है बिली आंखों वाला लड़का चिंटा। चिंटा क्या तुम्हारा करी यार? गाइज आप लोग इतना प्यार दे रहे हो हमारे पॉडकास्ट को, ट्रेंडिंग में रह रहा है, सब लोग इतने फेमस इतने हिट, ये बंदा बिग बॉस में थप्पड़ खा के हमारे पॉडकास्ट में आया है, तो तेरा तेरा पॉडकास्ट भी ट्रेंडिंग में जाएगा ना? जाएगा यार, इधर थप्पड़ मारेंगे तो शायद नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, अरे कैसा था चुड़ाता, कितना था ना, तू अपने बात का है, तू अपने बात का है कि नहीं है? ये सच में वो शरारती बच्चा है, पीछे वाला होता है जो तीखी तीखी चीजें भी कर देता है, ये वो है, तुम हो ऐसे बच्चे शरारती, तुम्हारे डैडी भी शरारती है, बचपन से डैडी भी शरारती है। ओह नो, नमस्ते अंकल, चलो करें। और सुनो ये देखो, खानजादी भी आई थी ना पॉडकास्ट के लिए। चिंटू हमारे लिए काफी लकी है कि आज हमारे साथ वो पॉडकास्ट कर रहा है और आज हम ट्रेंड पे है, और चिंटू ने कहा है कि देखना भाई मेरा पॉडकास्ट डालोगे ना तो आप कम से कम एक हफ्ता ट्रेंड पे रहोगे। मैंने ऐसा कब कहा था? और हमें कमेंट्स अच्छे आएंगे चिंटू? बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे को तो कमेंट पे गालियां ही है वैसे, लेकिन आपके आपको गालियां नहीं आई, आपको बहुत अच्छे। यार एक बात बोलूं, पता नहीं वहां पे क्या होता है, दिमाग खराब हो जाते हैं अंदर जाके, लेकिन ये बेचारे बाहर जब आते हैं ना, ये सारे अच्छे हैं, ये प्राणी सब अच्छे हैं, इनको प्यार कीजिए, इनको प्यार की जरूरत है, इनको प्यार दीजिए, सहारा दीजिए। मैंने तो बहुत प्यार किया अंदर, लेकिन आप अच्छा वाला प्यार यार दो करी हो ना, इसने बहुत प्यार। One hour later. यार मैं सच्ची कहूँ, मैं वो लड़की हूँ और हर्ष, हम दोनों आपस की बातों में हंसते, तीसरे पे ना हमें बहुत कम हंसी आती, क्योंकि जो मैं और हर्ष अंडरस्टैंड करते, लेकिन आज इस लड़के ने, आज देखो क्या करता है, इसने हमें इतना हंसाया। चिंटू मैं कलर से जियो सिनेमा से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बिग बॉस ओटीटी में इसको चिंटू को जरूर डालना यार। सीरियसली यार बड़ा फनी, बड़ा मस्त है। ईशा अभिषेक भी डालना क्या? ईशा अभिषेक भी डालना यार, ये कितना मिशन है, सुधरता ही नहीं है, फिर भी जज़ा तो कुछ कर ही देता है थोड़ा सा। सो गाइस सच में आज तक का हमारा सबसे फनी पॉडकास्ट था, जब भी ये पॉडकास्ट आए आप जरूर देखना, और ये लड़का बड़ा प्यारा क्यूट चलाक बच्चा। सो गाइस मैं चिंटू अपने कल घर जा रहा है इंदौर, और मैंने बोला कि अगर तुम वापिस आओ तो एक चीज जरूर करना, इंदौर में एक बहुत ही फेमस स्वीट है
शॉप है स्वीट शॉप जिसका नाम है अपना स्वीट। प्लीज चिंटू प्लीज तेन कसम है मिठाइयां सब लेके आऊंगा भर भर के पक्का लेकर आना। और मैं ये नहीं कि हमें खाना दे रहा है ये लड़का बहुत अच्छा है यार सच्ची यार बहुत फनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर के लिए ईशा से दूर रहना। ये क्या चीज है ये पॉडकास्ट में देखना आपको पता चलेगा। क्या छुपा रही है क्या छुपा रही है लेके आई थी वन। हाय हमने दुआ की कि भाई एटलीस्ट एक नंबर आ जाए लेकिन कोई बात नहीं आज दो पे आए कल एक पे भी आएंगे क्यों मेरे बड़े बेटे राजकुमार। यस ये मेरा बड़ा बेटा राजकुमार है लेकिन मेरे घर का जो मनीष बैल है वो यही है वो शक्ति है सबसे बड़ा बेटा। और वो क्या क्या भैया मुझे लगा पांडे जी की उंगलियां काट दी। पॉडकास्ट खत्म हुए 1.5 घंटा हो गया है यार पिछली बार तो पिज्जा मंगाया लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं। बहुत ही खूबसूरत केक है मत खा फिर अलमारी में रख ले। आप तौर पर केक को ऐसे काटते हैं लेकिन इस बार हम इस केक को यहाँ से काटेंगे। नहीं डीवी का गला काट असल में तो काट नहीं सकता अब काट दिया वैसे लोगों को बुला के अपनी बीवी पे हंसवा रहा है और ये भी सब। Oh no! राजकुमार को मत देना ये सुबह निकाल देगा मुझे। भारती को सिर्फ भारती ही खा सकती है। बहुत टेस्टी है गाइस ये हर्ष। गाइस हर्ष गिर गया। Oh no! भाई आप पर्दा क्यों हटा रहे हो इसके साथ खाते हैं। शुभ बाबू बाबू पॉडकास्ट ट्रेंड कर रहा ट्रेंड ट्रेंड अच्छा बोलो बोले हेलो 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 अच्छा बोलो राधे 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 शाम मिला दे। अच्छा ठीक है ये खा लो फिर ये लो इसमें ले लो The next morning. So guys, we are trending on number one. रात को व्लॉग लेट बन गया हर्ष नहीं था बट आप हमने यार गलती से ट्रेंडिंग टू वाला केक काट दिया क्योंकि शाम तक हम ट्रेंडिंग टू पे थे बट अचानक रात को देखा तो वन पे आ गए लेकिन टू का केक काट चुके थे। कोई बात नहीं वन का भी काट लेंगे। थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार कर रहे हो क्योंकि हमें पता है मैं और हर्ष इस शो में पॉडकास्ट में कितनी मेहनत लगा रहे हैं और वो मेहनत हमें आपके प्यार के तौर पे वापस मिल रही है। थैंक यू सो सो मच। सो बड़ी खुशी हो रही है कि हम ट्रेंडिंग नंबर वन पे हैं जो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और दस तो नहीं हो रही है बहुत हो रही है पक्का तेरे से भी ज़्यादा हो रही है बस नाच नहीं रहा। ए, ट्रेंडिंग मैं तो नाचूंगी ट्रेंडिंग। तो चलिए जी ब्लॉग को एंड करती हूँ। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए क्योंकि रात को हर्ष के साथ एंड नहीं कर सकी। मुझे लगता है कि पॉडकास्ट में हर्ष की बहुत ज़्यादा मेहनत है तो हर्ष के साथ करना चाहिए था। बस अभी जा रही हूँ और वापस से व्लॉग नया शुरू करूँगी थोड़ी देर बाद। बाय बाय। इस बार हम केक को यहाँ से काटेंगे ऐसा थोड़ी कि ट्रेंडिंग में आ गया। क्या कर लिया तूने मेरे बाल उधर ही रह गए यार।